फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। आई एम नेहा वॉचिंग बिलीव इन थेरेपी। सो टूडेज वी आर लर्निंग अबाउट फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो माइक्रोवेव डायथर्मी है। ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम आज थेरापेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्शन ऑफ हीट देखा था, MWD में हीट का कैसे प्रोडक्शन होता है। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था और हम उसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी देख चुके हैं। ये हमारा फोर्थ वीडियो है जिसमें हम देखेंगे क्या क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट होते हैं, कहाँ पे जो हम क्लिनिकली MWD यूज़ करते हैं उसका पर्पस क्या है यूज़ करने का और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पेन। जब भी पेन होता है तो हम MWD मशीन्स का यूज़ करते हैं। कोई भी एरिया पे पेन हो गया तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो जिस एरिया पे पेन है, सपोज कर लो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, तो इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे जैसे हम हीट देंगे, MWD की मशीन की हीट देंगे, तो हीट से क्या होगा, वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेटरी सेल्स होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। इन्फ्लामेटरी सेल्स जैसे कि हो गया हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है, हिस्टामिन है, तो ये यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, इनके मॉलिक्यूल होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जैसे ही हम हीट वहाँ पे देंगे, हीट देने से वो वॉश आउट होने लगेंगे, वॉश आउट होंगे और हमारी जो जो भी नर्व कंडक्शन होता है, जो नर्व हमारी एंडिंग होती है, उसे जो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, उसे सिग्नल को, पेन के जो सिग्नल होते हैं उसको ब्रेन तक पहुंचा रहे होते हैं, तो हमारी नर्व एंडिंग को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं। तो वहाँ पे MWD यूज़ करेंगे तो जो भी नॉसियस स्टिमुलेशन होगा, जो भी पेन के नॉसियस स्टिमुलेशन होंगे, तो वो हमारे ब्रेन तक नहीं जाएंगे और ये MWD का यूज़ हो जाएगा। एक तो हमारा पेन गेट मैकेनिज्म थ्योरी है ही, जिससे हम हीट का यूज़ करने से पेन कम फील होता है। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा मसल्स स्पाजम। मसल स्पाजम क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती है उसमें स्पाज्म हो जाता है, स्पास्टिसिटी हो जाती है, और जब हम MWD का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उसको पेन भी कम होगा और मसल्स में जो स्टिफनेस हुई, स्पाज्म हुआ, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में इसमें क्या होता है कि जब भी कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, तो MWD का जो यूज़ करते हैं वो रिजोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। रिजोल्यूशन कर देता है हमारे क्रोनिक इन्फ्लामेशन को और एक्सलरेट करता है हमारे जो भी इन्फ्लामेशन है वहाँ को, वहाँ के जो प्रोसेस है वहाँ पर कम हो जाए और वहाँ से जो वॉश आउट हो जाए, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिलेड हीलिंग। डिलेड हीलिंग में क्या होता है, मीन्स कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी पेन है, कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पे रिकवरी होने के बाद जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। जब हीलिंग प्रोसेस स्लो हो गया तो उस हीलिंग प्रोसेस के लिए हम MWD मशीन का यूज़ करते हैं। तो MWD का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोडक्शन होने से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्लड वेसल्स होंगी हमारी डायलेट कर जाएंगी। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, ऑक्सीजन अच्छे से हमारे टिश्यूज तक पहुँचेगी, तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, बढ़ जाएगी, जो भी रिक्वायरमेंट होती है टिश्यूज की हीलिंग प्रोसेस के लिए वो वहाँ पे उसे मिल जाएगी। तो इससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट होने लगेगा, प्रमोट हो जाएगा, और जब भी हम कोई भी एरिया पे हीलिंग प्रोसेस के लिए MWD यूज़ करते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको डिस्टली MWD नहीं यूज़ करनी है, आपको प्रॉक्सिमली यूज़ करनी है। प्रॉक्सिमली यूज़ करने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा और हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या, जब भी कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन होने पे हम उसे MWD का यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन में हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि इन्फेक्शन के और ज़्यादा स्प्रेड होने की चांसेस हो सकते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन होए तो हम MWD का यूज़ करेंगे तो ब्लड, जिससे क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो एंटीबॉडीज भी मिलेंगी, WBC का फॉर्मेशन होगा। तो जब एंटीबॉडीज आएंगी, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारे इन्फेक्शन जो स्प्रेड हुआ है वहाँ पे एंटीबॉडीज आके उस बैक्टीरियाज को, वायरस को किल कर देंगे, इससे इन्फेक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिब्रोसिस। फिब्रोसिस में क्या होता है, जो हमारे टिशूज होते हैं, टिशूज जैसे हीट हम देंगे तो वहाँ की टिशूज की जो एक्सटेंसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमारे लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, मसल्स फाइबर है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उनकी एक्सटेंसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और रेंज भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ हमारे थेरापेटिकली इफेक्ट थे। आई होप आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस, क्या क्या मेथड्स होते हैं जब भी हम MWD यूज करते हैं पेशेंट को। बेसिकली हमने एमिटर्स देखा था, आपको याद हो प्रोडक्शन ऑफ हीट वाले वीडियो में। तो उसमें क्या था, जो हमने एमिटर यूज़ किया था, ये हमारा एमिटर था, इसमें एंटीना यहाँ लगा हुआ था और ये रिफ्लेक्टर का काम कर रहा था, जिससे यहाँ से हीट होती थी, वो प्रोडक्शन हीट पेनिट्रेट कर रही थी स्किन में पेशेंट के। तो ये एमिटर है, एमिटर दो टाइप से होता है, एक सर्कुलर एमिटर होता है, एक रेक्टेंगुलर एमिटर होता है। इस दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक सर्कुलर होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम सर्कुलर एमिटर देखते हैं। सर्कुलर एमिटर होता क्या है, बेसिकली दिस टाइप ऑफ एमिटर इज सर्कुलर इन शेप, मीन्स इस जो ये सर्कुलर एमिटर है इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर शेप में। एंड पॉइंट क्या है, द डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मोर एट द पेरिफेरी देन एट द सेंटर, मीन्स इसकी इसमें जो रेडिएशन निकलती है, वेव्स निकलती है, हीट जो प्रोडक्शन होता है, तो पेरिफेरी बहुत ज़्यादा हीट होती है देन सेंटर। ये हमारा सेंटर है और ये पेरिफेरी है, तो ये हमारा सर्कुलर एमिटर होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगुलर एमिटर। रेक्टेंगुलर एमिटर क्या होता है, दिस टाइप एमिटर इज ए रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप में होता है इसकी डेंसिटी होती है रेडिएशन की, जो बीम ऑफ लाइट आती है, मीन्स यहाँ से जो भी बीम लाइट आती है वो सेंटर में बहुत ज़्यादा होती है, एंड जो पेरीफेरी होती है वो कम होती है सेंटर के कंपैरिजन में। डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज एट द सेंटर एंड एट पेरीफेरी, ये शेप होती है रेक्टेंगुलर एमिटर। अब मैंने सर्कुलर एमिटर देखा था, ये रेक्टेंगुलर एमिटर है। तो इसमें क्या है, सेंटर में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होती है, डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है, पर पेरीफेरी डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। सो आज की स्पीड में हमने पढ़े हैं क्या क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट थे और क्या मेथड और एप्लीकेशन था। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।